हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटाटो इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMU की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम आपको इसी काम में हेल्प कर रही है, ताकि आप यहाँ पर स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, एंड आई होप आप लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं और प्रॉपर टाइम पर यहाँ पर सब कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के, सारे ही टॉपिक्स के लेने हैं, ठीक है, और उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रेगुलरली रिवाइज भी करना है, ठीक है। रिविजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज हम इस लेक्चर के अंदर भी रिविजन करने वाले हैं। किसका? वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, ठीक है। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स का हम आज इस लेक्चर के अंदर रिविजन करेंगे, ठीक है। देखेंगे पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, पूरा एक बार समराइज करेंगे, उसे रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको यहाँ पर धुंधला हो गया होगा जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलेंगे सारे लेक्चर्स में जो भी हमने यहाँ पर कवर अप किया। अगर आपको इससे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना है तो वो आप जाकर के देख सकते हो कहाँ पर, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाके आपको क्या करना होता है, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन करना है। फॉर क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जाइए, हमें ज्वाइन अप कीजिए और वहाँ से फिर आप हमारा सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको जाना होता है हमारी वेबसाइट, दैट इज talkingtextbooks.in, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, ओके, यू विल सी स्टडी मटेरियल ऑप्शन एंड उसके अंदर आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेज देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है इस हायर पैकेज के, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे चूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे चूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसे बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है अप्लाई करना, क्या करना है, बस टाइप करना है AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से बाय पैकेज पे यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बाद थ्रू योर क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग आप इसे बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पहले उसे क्लियर करें, उसके बाद आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं, ठीक है। तो कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले उसे पूछ लें इन नंबर्स पे कॉल करके और उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इस पैकेज के अंदर जो भी चीज़ें मिल रही हैं आपको बहुत हेल्प करने वाली है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की, हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं किससे, कार्डिनल प्रॉमिस, ठीक है। तो कार्डिनल प्रॉमिस करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुबह उठते ही जैसे हम प्रेयर करते हैं, ओके, उससे पहले हमें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ के अंदर, ओके, वी थैंक और वी प्रे टू द गॉड दैट सो दैट वी बिकम अ स्मार्ट एंड सिंसियर स्टूडेंट, हम इसी तरीके से बने रहें। तो हमें क्या करना होता है, कार्डिनल प्रॉमिस करना होता है, आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूँ, smart student बन सकूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, revision करने वाले हैं किस chapter का, यहाँ पर water a precious resource, ठीक है।
ठीक है, चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट जो है फिनिश हो चुका है और इस L7 में आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखेंगे हमने इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। वी हैव मोस्टली स्टडीड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सम बेसिक टर्म्स अबाउट वाटर, ओके। और फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वाटर को हम यहाँ पर, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है, वाटर वेस्ट भी हो रहा है बहुत सारा, तो यहाँ पर उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसको रीयूज करते हैं ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। तो क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर और द वी कैन से दैट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी। चलिए एक बार एक कर करके जो है वन बाय वन हम इन्हें डिटेल के अंदर डिस्कस करें, ठीक है। नाउ द इंट्रोडक्शन, वी ऑल डिपेंडेंट एज वी नो दैट ऑन द सेम वाइटल सोर्स दैट इज वाटर। हम सभी क्या हैं, इस सेम वाइटल सोर्स पे डिपेंड हैं अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, ओके। सो दैट इज योर वाटर, वो क्या है आपका, वाटर ही है, ठीक है। वाटर कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, और सरफेस पे प्रेजेंट है, ग्राउंड में प्रेजेंट है, ओके। यानी कि सब जगह, एयर, सरफेस और इवन इन द ग्राउंड, सब जगह क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है, वाटर यहाँ पर अराउंड अर्थ सरफेस पे 71%, कितना है, 71% हमारा अर्थ सरफेस कवर्ड है किससे, वाटर से, ठीक है। जो अर्थ का ब्लू कलर है, ओके, वो किसे यहाँ पर शो करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, ब्लू कलर आपको दिखाई देता है, कोई भी पिक्चर दिखाते हैं तो वो कैसा रहता है, ब्लू, और वो ब्लू कलर किस वजह से, यहाँ पर वाटर की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर इस वाटर से हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या है, मेंटेन है, बहुत बहुत सारी चीज़ों में वाटर हमें हेल्प करता है, ठीक है, वाटर यूज आता है बेसिकली, ओके। सो नाउ वाटर इज मोस्ट वाइडली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द प्लैनेट एंड ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। वाटर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग यहाँ पर जगहों पर थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्लोबली यहाँ पर पूरे प्लैनेट पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी हम कह सकते हैं, ओके। नाउ द साइकिल इज फ्लोइंग, ठीक है, साइकिल यहाँ पर चल रहा है वाटर का किससे, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम उससे चल रहा है हमारा, ओके। और यहाँ पर बहुत सारी वेदर कंडीशंस, वी कैन से दैट, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन सब क्या है, डिपेंडेंट है वाटर। वाटर यहाँ पर शेप देता है किसको, अर्थ को, ठीक है, एंड कंटिन्यूज इट्स फैशन और प्रोग्राम, ओके। नाउ अब यहाँ पर द वाटर प्रेसिपिटेट फ्रॉम द एटमॉस्फियर ऑन द लैंड व्हेन मे बी स्टोर्ड इन लिक्विड सॉलिड फॉर्म एंड कैन लिटरली बी द वर्टिकल बिटवीन द फेज एंड द वी कैन से दैट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है यहाँ पर चेंज होता रहता है, इसी से आपका क्या चलता है, पूरा वाटर साइकिल चलता है। यहाँ पर वाटर जो है इवेपोरेट होता है, ठीक है, ऊपर जाकर के क्या हो रहा है, वहाँ पर प्रेसिपिटेट हो रहा है, ओके, यहाँ पर कंडेंस हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसके बाद वापस एटमॉस्फियर से वापस कहाँ आ जाता है, लैंड पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत है उसी चीज़ की, वो नेचुरल है, ठीक है, अपने आप चेंज होती है। तो यहाँ पर वाटर जो है अवेलेबल है आपके अर्थ सरफेस पे कितना, 71%। अब जिसके अंदर हम यहाँ पर कुछ अगर डीप में जाएं, है ना, परसेंटेज पे, तो ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ उसमें से 97% आपका जितना भी वाटर प्रेजेंट है, सपोज 100% है, तो उसमें से यहाँ पर 97% जो वाटर है वो क्या है आपका, दैट इज योर सलाइन वाटर, ठीक है। वो वाटर कौन सा है, सलाइन वाटर है, और फ्रेश वाटर कितना है, 3%। फ्रेश वाटर कितना है, ओनली 3%, ये जो सलाइन वाटर है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, सलाइन वाटर की, ओके, चले सलाइन वाटर की बात करें तो यहाँ पर सलाइन वाटर इज योर 97%, ठीक है। सलाइन वाटर कितना है, बार बार
let me choose the pen. Okay, now saline water is your 97% and the fresh water is 3% only. ठीक है, जो फ्रेश वाटर जो यूज करने लायक वाटर है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3%. ठीक है, नाउ उसके अंदर फर्दर वो वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर और डिफरेंट सोर्सेज के अंदर जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स. ओके, और यहाँ पर मेजर क्वांटिटी जो वाटर की प्रेजेंट है वो किस में है, यहाँ पर आइसकेप्स ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट. किस फॉर्म में, आइसकेप्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट. ठीक है, और यहाँ पर सरफेस वाटर जो है बहुत बहुत कम परसेंटेज में अवेलेबल. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वाटर तो 71% है अर्थ सरफेस पे, बट उसके अंदर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो हमारा ओशियंस के अंदर है. ठीक है, एंड दैट इज योर स्लाइम वाटर एंड दैट इज ऑफ नो यूज. ठीक है, उसका कोई भी यूज नहीं है. ठीक है, वो हम एज अ यहाँ पर वेस्ट की तरह समझ सकते हैं. ठीक है, उसको हम किसी काम में यूज नहीं ले रहे. ठीक है, अदरवाइज हमारे पास प्लेंटी प्लेंटी ऑफ वाटर जो है अवेलेबल है, बट इट इज ऑफ नो यूज. जो यूज आता है, जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर हमारे डिफरेंट पर्पजेस के अंदर यूज लेते हैं, वो है आपका सिर्फ कितना, फ्रेश वाटर. ओके, सो यहाँ पर अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर एंड द वाटर इज फाउंड इन पंडल्स, पॉन्ड्स, रिवर, लेक एंड ओशन के अंदर क्या है आपका, वाटर अवेलेबल. ओके, इट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एंड द ग्लेशियर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस. ठीक है, कुछ वाटर यहाँ पर किस फॉर्म में, ग्राउंड फॉर्म, ग्राउंड के अंदर अवेलेबल है और कुछ यहाँ पर ग्लेशियर्स की फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है, एयर के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है वाटर वेपर्स की फॉर्म, है ना, गैसियस फॉर्म के अंदर. नाउ हम बात जानते हैं वॉट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. ओके, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं. ओके, देर आर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. ओके, बट यहाँ पर फ्रेश वाटर क्या है, बहुत कम अवेलेबल है. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दिया हुआ है कि एक बकेट फुल ऑफ वाटर अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें एज योर टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सर्फेस, तो उसमें से जो टेबल स्पून ऑफ वाटर रहेगा वो यहाँ पर इतना वाटर अवेलेबल है आपका किसके, यहाँ पर रिवर्स और लेक्स की फॉर्म. ठीक है, तो कितना कम क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पर हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है, कहने का मतलब. ठीक है, फ्रॉम द टोटल वाटर विच वी हैव. ओके, नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर की कॉम्पोजिशन यहाँ पर क्या है. वाटर, सी प्रॉपर्टी से पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे. ओके, सो कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, इफ वी सी दैट वाटर इज अ कंपाउंड. वाटर क्या है, वाटर आपका एक कंपाउंड है. इट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. किससे मिलके बना है ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. किससे मिलके बना है, जस्ट अ मिनट. ओके, लेट्स मूव. कहां गया या चल, तो कॉम्पोजिशन में हम कह रहे थे कि वाटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, वाटर इज अ स्टेबल कंपाउंड बट इट कैन बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू. यहाँ पर वाटर किससे मिलके बना हुआ है आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना. और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है. और इसे यहाँ पर फर्दर ब्रोकन डाउन भी किया जा सकता है किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर. कैसे, जब आप इसके अंदर से क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग हो जाती है. वाटर का फॉर्मूला होता है क्या, H2O. यहाँ पर ये कंबाइन है 1:8 रेशो बाय मास के अंदर. ठीक है, 1:8 रेशो बाय मास के अंदर क्या है, ये कंबाइन है. ओके, और यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, ये वाटर फॉर्म. ठीक है, और 2:1 के रेशो में इट इज कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, बाय वॉल्यूम. ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया. चल, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर.
प्रॉपर्टीज क्या हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट है किसमें? फ्रॉम दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या है? अलग है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर बट ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन. ठीक है, अब हाइड्रोजन तो क्या है यहाँ पर? कंबस्टिबल गैस है. और ऑक्सीजन क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था लेक्चर के टाइम पे, ऑक्सीजन इज योर सपोर्टर ऑफ कंबशन. बट दोनों आपस में जब कंबाइन हो रहे हैं, दोनों गैसेज हैं बट दोनों आपस में जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं? लिक्विड. और ये लिक्विड किस काम आता है? फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर. ठीक है, दोनों ही आग जलाने के काम आती है बट वाटर यहाँ पर आग बुझाने के काम आता है. ठीक है, तो दिस शोज दैट यहाँ पर वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, अंडरस्टूड. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? ठीक है, वाटर यहाँ पर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. ठीक है, टेस्टलेस लिक्विड है. ठीक है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है इसका, कोई टेस्ट नहीं है इसका, साथ में साथ कोई स्मेल भी नहीं है. ठीक है, एंड ये यहाँ पर तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. ओके, बॉयल होता है यहाँ पर कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर. फ्रीज होता है कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है? 1 ग्राम पर सीसी. और ये यहाँ पर पूर कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, प्योर वाटर यहाँ पर क्या है? पूर कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो प्योर वाटर यहाँ पर क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ट्रांसपेरेंट लिक्विड. ठीक है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड. वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स. वाटर यहाँ पर तीनों ही स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड लिक्विड और गैस. किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर एज वेल एज गैस के अंदर. ओके, नाउ द प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, प्योर वाटर यहाँ पर बॉइल करेगा कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले नहीं होता. और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है बॉइल होकर के गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करो, ठीक है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और अगर आप प्रेशर लो करो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया? आगे बढ़े. कुछ और प्रॉपर्टीज. वाटर यहाँ पर फ्रीज होता है कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. कब फ्रीज हो रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. और प्रेशर ऑफ इम्प्योरिटीज या फिर बोलें प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज यहाँ पर क्या कर सकती हैं? इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम कर सकती है. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट. अगर आपने उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, एंड प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट का तो हमें पता ही है, इट एक्सटिंग्विशेस हीट, है ना, बुझा देता है आपको. बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे? क्योंकि प्योर वाटर के अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं रहते. ठीक है, कोई भी आयंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते किसके अंदर? प्योर वाटर के अंदर. इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता. ठीक है, नाउ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी रहती है? मैक्सिमम रहती है. क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है, दैट इज 1 ग्राम पर सीसी. ओके, और यहाँ पर इससे अगर आप जैसे ही और टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया तो वापस से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ठीक है, जब आप उसे कूल करने लगते हैं तो वाटर यहाँ पर क्या होता है? पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट होते 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 जब वो 4 डिग्री पे आते हैं तो यहाँ पर इट कैरीज मैक्सिमम डेंसिटी. ठीक है, उसके बाद उसकी डेंसिटी वापस से क्या होने लगती है? कम होने लगती है. क्या होने लगती है? कम होने लगती है, यानी कि वापस से उसकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है, और यानी कि 1 ग्राम से कम हो जाती है. और इसी वजह से यहाँ पर डेंसिटी कम होने की वजह से वो आइस फॉर्म कर लेता है. जब वो आइस फॉर्म में होता है तो उसकी डेंसिटी जो है क्या होती है? कम होती है एज पर द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, एंड यहाँ पर
दैट्स वाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किससे, वाटर से। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये सॉल्वेंट है, ठीक है। बहुत सारे जो भी हमारे कह सकते हैं सॉल्ट्स को, ठीक है, क्या कर लेता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, क्या कर लेता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, हेंस इट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर लिटमस पेपर के साथ लिटमस क्या करता है, यहाँ पर इंडिकेट करता है वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो यहाँ पर ये कोई कलर शो नहीं करता, ठीक है, यानी कि रेड और ब्लू में से कोई भी यहाँ पर चेंज ये शो नहीं करता, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर लिटमस के साथ कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, ओके। एक्शन विद मेटल्स, वाटर मेटल्स के साथ रिएक्ट करके किस तरीके से बिहेवियर शो करता है, यहाँ पर वाटर जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या फॉर्म करता है, बेस फॉर्म करता है, ओके। यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी जो है लिबरेट होती है, क्या लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। डिफरेंट मेटल यहाँ पर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, विद द फॉर्म्स ऑफ वाटर। यहाँ पर कुछ जो है नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ को हमें हीट करना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है, और कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स यहाँ पर बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, जैसे कि पोटेशियम और आपका यहाँ पर व्हाट, सोडियम, है ना, दोनों ही बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, है ना, सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट मॉडरेटली विद वाटर। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, जैसे कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट कर रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैग्नीशियम जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से सोडियम रिएक्ट करता है, किसके साथ, वाटर के साथ, बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस पहले लिबरेट होती है, उसके बाद जो है एकदम कह सकते हैं कि बर्स हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और बर्न होता है वाटर के अंदर विद अ येलो फ्लेम, कौन, सोडियम, ठीक है। पोटेशियम बर्न होता है यहाँ पर वॉयलेट फ्लेम के साथ, ठीक है। दोनों ही बहुत ही विग्रेसली यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। दैट इज यहाँ पर पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। नाउ द कैल्शियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है पहले, और पूरा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, मिल्किश हो जाता है, पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्किश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, स्लेग लाइन, ठीक है, यानी कि मिल्किश हो जाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, ठीक है। अगेन मैग्नीशियम और जिंक भी यहाँ पर नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जिंक जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, ये जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, एंड बोथ आर फॉर्मिंग व्हाट, हाइड्रोजन गैस, क्या फॉर्म कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ सेम रिएक्शंस यहाँ पर एक और है, किसकी, आयरन की, ठीक है। आयरन रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट वाटर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं किसके साथ, वाटर के साथ की अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अनॉमलस एक्सपेंशन कैसे, कि वाटर पहले कूल होता है, ठीक है, जब हम उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4 डिग्री आने तक क्या करता है, इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग टिल इट फ्रीजेस, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सपैंड होने लगता है, ओके। नाउ 0 डिग्री पे आते ही वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 0 डिग्री पे आते ही वो क्या करता है, यहाँ पर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर प्योर वाटर जब हम कूल करते, ठीक है, 4 डिग्री तक वो क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट होता है और कूलिंग मतलब 4 डिग्री के बाद वो स्लाइटली क्या होता है, एक्सपैंड होता है. वाटर क्या होता है, एक्सपैंड होता है. जब आप उसे फर्दर कूल करते हैं 4 डिग्री से, तो यहाँ पर पार्टिकल जो हैं थोड़े दूर जाते हैं, एक्सपैंड होते हैं, यानी कि उसकी डेंसिटी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है. मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर रहती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहती है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाता है अगर आप जो है प्रेशर क्या करें, बढ़ाएं, है ना. अगर प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा. और अगर आपने यहाँ पर कोई सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी ऐड करी, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वाटर वी ऑल नो दैट. ठीक है, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल है. ठीक है, और सॉलिड से हम जो है यहाँ पर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस से वापस से लिक्विड के अंदर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके, बढ़ा के, कम करके, यहाँ पर इन तीनों फॉर्म्स में इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है. ठीक है, इन तीनों फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ वाटर साइकिल क्या है. यहाँ पर ये एक नेचुरल साइकिल है दैट सप्लाइज द फ्रेश वाटर. ठीक है, इसकी वजह से ही वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसाइकल्ड हो रहा है. द सप्लाई ऑफ वाटर इन नेचर डज नॉट रन आउट. ठीक है, दिस इज बिकॉज द वाटर इज कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड इन द वाटर साइकिल. वाटर यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है. किसके अंदर, यहाँ पर नेचर के. ठीक है, हीट फ्रॉम द सन कॉजेज द वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस टू इवेपोरेट. यहाँ पर जो भी हीट आ रही है सन से, वो क्या कर रही है, उस वाटर को क्या कर रही है, इवेपोरेट कर रही है. ठीक है, वेपर राइजेस अप. ठीक है, वेपर ऊपर राइज करते हैं, कूल होते हैं, कूल होने के बाद कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं एंड दीज ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड. ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, यहाँ पर क्लाउड फॉर्म करती है. ठीक है, तो सन से रेज आ रही हैं. ठीक है, फ्रॉम द वाटर इन द रिवर लेक्स. ठीक है, ओशियन, वो सारा क्या होता है, इवेपोरेट होता है. ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी वाटर इवेपोरेट होता है, यानी प्लांट्स की लीव्स के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो भी इवेपोरेट हो रहा है. तो सबके अंदर से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है. ठीक है, ग्राउंड से भी वाटर कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है, और ये सारा वाटर यहाँ पर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाकर के क्लाउड्स में जो है एक्यूमुलेट होता है. ठीक है, और कंडेंस होने के बाद टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट होता है और वापस से जो है आपके अर्थ सरफेस पे आ जाता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. ठीक है, किस फॉर्म में, रेनफॉल की फॉर्म में. ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये पूरा वाटर साइकिल चल रहा है. वाटर इवेपोरेट हो रहा है कहाँ से, ओशियन से. ठीक है, और यहाँ पर इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन के बाद यहाँ पर वापस से जो है रन डाउन हो रहा है व्हाट, वाटर. ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया. ओके, दिस इज ऑल योर वाटर साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पर क्लाउड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं जब एयर मूव कर रही है, कब, इन द व्हेन एयर मूव्स अपवर्ड. ओके, तो इट गेट्स कूलर एंड कूलर. एयर यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर मूव करती जाती है, बेसिकली वाटर वेपर्स जब मूव करते जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पर वाटर वेपर्स जो हैं कूल होते जाते हैं. ओके, एट सफिशेंट हाइट एयर बिकम सो कूल दैट वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर गेट कंडेंस. ठीक है, जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, वो कंडेंस होने लगते हैं एंड दे कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, वो यहाँ पर किसके अंदर, टाइनी फॉर्म्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर अपीयर टू अस एज क्लाउड. और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स यहाँ पर जो फ्लोट कर रही हैं एयर के अंदर, ये हमें दिखाई देती हैं किस फॉर्म में, क्लाउड्स की फॉर्म. ठीक है, नाउ क्लाउड्स गेट यहाँ पर फॉर्म होते हैं एंड प्रेसिपिटेट होकर के वापस से जो है वाटर यहाँ पर रन डाउन होता है किसमें, स्ट्रीम्स के अंदर. ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ग्राउंड वाटर है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. ठीक है, रेन वाटर
थ्रू इनफिल्ट्रेशन यहाँ पर क्या होता है, सीप होता है किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, और यहाँ पर फॉर्म करता है वॉट, वाटर टेबल। ठीक है, जहां से वाटर आपका स्टार्ट हो रहा है ग्राउंड के अंदर उसे हम बोलते हैं क्या, वाटर टेबल। ठीक है, जब भी आप डिग करने लगो तो जहां से वाटर स्टार्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं वाटर टेबल, और जहां पे पूरा वाटर प्रेजेंट हो रहा है उसे हम बोलते हैं व्हाट, एक्वीफर, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वीफर बोलते हैं। ओके, तो देखो यहां पर वाटर जो विच इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, इस सरफेस के नीचे जहां भी वाटर आपको मिलेगा उसे हम बोलते हैं व्हाट, ग्राउंड वाटर। क्या बोलते हैं हम उसे, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और वो ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है, यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन के थ्रू, जो भी यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, ये रेनफॉल का पानी यहाँ पर सीप होता है किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड होता है जहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिलेगा उसे हम बोलते हैं वाट, एक्वीफर। क्या बोलते हैं, एक्वीफर। और उसे हम निकालते हैं यहाँ पर किससे, हैंडपंप्स के थ्रू या फिर ट्यूबवेल्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू जो है हम उस पानी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले के ज़माने में जो है इस तरीके से बावड़ीज बनाते थे जिनके अंदर क्या करते थे, रेन वाटर को स्टोर करते थे ताकि उसे वो फर्दर जो है आने वाले कुछ मंथ्स में ईयर्स में उसे क्या करते रहें, यूज़ करते रहें। ठीक है, अपने डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए उसे यूज़ कर सकते। तो बावरीज वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। पहले ये क्या था, एक ट्रेडिशनल वे था, बहुत सारी जगहों, सब जगह यहाँ पर जो भी फोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे, है ना, किले राजाओं के, उनके सब के पास यहाँ पर इस तरीके से वो कुछ ना कुछ बैकयार्ड में जो है बावरीज बनाया करते थे। ठीक है, नाउ वाटर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पर वाटर किस लिए काम आता है, एग्रीकल्चर के काम आता है। ठीक है, तो कितना कितना अराउंड जो है ग्लोबली यहाँ पर 70% वाटर जो है किस में जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर जाता है, और बाकी 25% यहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर, और 5% हम अपनी डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर से ही जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वाटर किसके अंदर जा रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर जा रहा है। इंडिया के अंदर अराउंड 90% ऑफ वाटर जो है एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होता है, और बहुत सारे डिफरेंट पर्पजेज हैं जिसके अंदर हम वाटर को यूज़ लेते हैं, ब्रशिंग के अंदर, बेथिंग के अंदर, ठीक है, वॉशिंग के अंदर, ओके, और बहुत बहुत सारे इस तरीके से यूजेस हैं हमारे जिनके अंदर हम वाटर को यूज़ लेते हैं फॉर इन आर डेली लाइफ, डेली पर्पज। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, यहाँ पर वाटर जो है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से रेगुलरली जो है यहाँ पर वाटर का कंजप्शन बढ़ रहा है, किसी जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग वाटर का यूज़ ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, कंजप्शन वाटर का बढ़ रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर सब लोगों ने अपने घरों में जो है यहाँ पर बोरिंग्स करवा रखी है, यानी कि ट्यूबवेल्स डाल रखे हैं, और उनसे जो है वो बेधड़क तरीके से जो है पानी ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे कि क्या हो रहा है, वाटर टेबल हमारा रेगुलरली क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यहाँ पर 24/7 वाटर जो है यूज़ करती रहती है, और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जो है ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं जो कि रेगुलरली वाटर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से भी इस तरीके की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, सभी यहाँ पर ग्राउंड वाटर का यूज़ करती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पानी जो है चाहिए होता है फॉर देयर प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट बन रहा हो इंडस्ट्रीज के अंदर, उन सब के अंदर क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर क्या कर रहा है, इट इज डिप्लीटिंग द वाटर टेबल। ओके, नाउ हम यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या करें, जो भी रेनफॉल से वाटर आ रहा है उसे हम क्या करें, कलेक्ट करें। ठीक है, थ्रू दैट इज कॉल्ड योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर को क्या करना, बचाना फॉर योर फर्दर यूज। तो रूफ टॉप पे जो भी वाटर यहाँ पर इकट्ठा होता है उसे हम पाइप्स के थ्रू कहाँ पहुँचाएं, अंडर वाटर टैंक्स के अंदर पहुँचाएं, रिवर्स के अंदर पहुँचाएं, ओके, वेल्स के अंदर पहुँचाएं। ठीक है, बेसिकली आप अपने घर के अंदर यहाँ पर क्या कर लें, टैंक्स बना लें, वेल्स बना लें छोटे छोटे। ठीक है, तो उनके अंदर क्या करें, आप उस वाटर को स्टोर करें, उस वाटर को फर्दर आप गार्डनिंग में, अपनी कार वॉशिंग के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर आप यहाँ पर उसे यूज़
कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन है वाटर को जुडिशली यूज करने का तरीका, ठीक है। ड्रिप बाय ड्रिप आप यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन यूज करके जो है एग्रीकल्चर में वाटर को यूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है यूज होता है, अराउंड अभी हमने देखा कि 90% वाटर यहाँ पर इंडिया के अंदर यूज होता है, किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ड्रिप इरीगेशन मेथड लगाएं, एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पर सप्लाई ना करें, किसको, फील्ड को, ठीक है, क्रॉप्स को, ओके। वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर अगर यहाँ पर किसी भी जो है सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है, मोस्टली सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। और कोई भी सॉल्ट इसके अंदर जो है डिसॉल्व हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन। वाटर के अंदर आप कुछ भी मिला रहे हो, है ना, तो उसे आप क्या बोलोगे, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। और यहाँ पर वाटर के अंदर बहुत सारी गैसेस भी डिसॉल्व रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है वाटर के अंदर, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर जो है ब्रीथ इन कर पाती है, ठीक है। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स भी यहाँ पर ब्रीद इन कर पाते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन डिसॉल्व रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है, ठीक है, एंड विच प्रोड्यूस फूड वाया फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो बहुत सारी, ठीक है, कह सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डिसॉल्व रहती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। हमारी जो भी यहाँ पर कूल ड्रिंक्स हैं, फ्रिज ड्रिंक्स हैं, उन सब के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर कैप ओपन करते हैं, यहाँ पर फिस की आवाज़ आती है, ठीक है, वो आवाज़ किसकी आती है, दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, वो किसके अंदर रहती है, वाटर के अंदर प्रेजेंट रहती है। नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को क्या करना है, यहाँ पर ट्रीट कर, है ना, रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज, ऑल द हार्मफुल बैक्टीरियाज फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीट। उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो वेस्ट वाटर बेसिकली है क्या, इज एनी वाटर दैट हैज बीन एडवर्स अफेक्टेड इन द क्वालिटी बाय एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस, यानी कि हमारी एक्टिविटीज से, ठीक है, हमारी यहाँ पर बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पर क्या होना, वाटर का पोल्यूटेड होना, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमें क्या पता चला, यहाँ पर वेस्ट के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए, ऑल द मटेरियल जो भी यहाँ पर क्या है, दैट डू नॉट हैव इमीडिएट यूटिलिटी एंड आर यूजुअली डिस्पोज्ड ऑफ आर कॉल्ड योर वेस्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं किसको, क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये सारे वेस्ट यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं किसको, क्वालिटी ऑफ वेस्ट। सीवेज, सीवेज क्या होता है, हमारा जो भी यहाँ पर वेस्ट निकलता है, ठीक है, यहाँ पर थ्रू आर फ्लीस, यूरिन, जो भी वेस्ट है, ह्यूमन बॉडी का वेस्ट है, नेचुरल है, ठीक है, ओके। अब कुछ खाते हैं तो, ठीक है, तो वेस्ट यहाँ पर किसी ना किसी फॉर्म में जो है यहाँ पर होता है, ओके। सो बट इट ऑफन मीन एज वेस्ट वाटर, अब ये यहाँ पर जो है वाटर के साथ ही जो है फ्लैश्ड आउट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये बहुत सारी जगहों से निकलता है, होम्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ओके, ऑफिस, ठीक है, अदर अदर जगहों से, सब जगह से जो है ये वेस्ट अक्यूमुलेट होता है, ठीक है, और इसके अंदर रेन वाटर भी बेसिकली जो है मिक्स रहता है, ठीक है। नाउ सीवेज हैज द डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, इसके अंदर बेसिकली वो आपका क्या बनता है, दैट इज योर सीवेज, ओके। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, कंटेमिनेंट्स, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंटेमिनेंट बोलते हैं। ब्लैक कलर का वाटर जो है आपका हो जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ पर ब्लैक वाटर भी बोलते हैं, जो भी सीवेज वाटर है आपका, ओके, जो भी ह्यूमन वेस्ट से यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसे हम यहाँ पर सिंपली यूज नहीं ले सकते विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ब्लैक वाटर बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो है, वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ से आ रहा है, बहुत सारी जगहों से आ रहा है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, वॉशिंग का वाटर है, ओके, रेनफॉल का वाटर जो भी कलेक्टेड हुआ है रूफ टॉप पे, ठीक है, उसे हम यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन इन टू द सीवेज, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर से भी जो भी वाटर यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन के थ्रू आ रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है, वो भी यहाँ पर
कुछ ना कुछ वाटर जो है सीवेज के अंदर चला जाता है, तो वो भी क्या हो गया, वेस्ट वाटर के अंदर काउंट हो जाता है। ठीक है, वॉशिंग से हमारा वाटर यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, वो उन सब के अंदर वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं उसके अंदर वाटर जो है वेस्ट हो रहा है। वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, वेस्ट वाटर के अंदर क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, गैसेज होती हैं बहुत सारी, नॉन पैथोजन बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इमल्शंस होते हैं, पेंट्स जैसे कि एडेसिव्स, ओके, ड्रग्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे बहुत बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि उसे क्या करती है, यहाँ पर कंटेमिनेट करती है। मोस्टली क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो यहाँ पर कॉज करते हैं किसको, डिजीज को। ठीक है, तो दीज आर सम लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, नाउ क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर, अब वेस्ट वाटर हो गया बट हो रहा है रेगुलरली, ठीक है, उसे हम यहाँ पर रोक नहीं सकते, बट उसे हम क्या करें, यहाँ पर रीयूज करें बाय क्लीनिंग इट। ठीक है, क्लीनिंग कैसे कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर बाय, तो यहाँ पर क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर क्या होता है, रिमूविंग ऑफ पॉल्यूटेंट, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या करें, यहाँ पर रिमूव करें। ठीक है, और इन द होम और द पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग्स द क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप, यहाँ पर इट टेक्स अवे वॉट योर वेस्ट वाटर। ओके, नाउ द अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ पाइप यहाँ पर क्या कर रहा है, सीवेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे घरों से जो है छोटे छोटे पाइप्स में निकल रहा है वो बड़े पाइप्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बड़े पाइप्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो फर्दर यहाँ पर कनेक्टेड हो रहा है किससे, और बड़े पाइप्स के साथ जो कि उस वेस्ट को लेके जा रहे हैं किसके अंदर, यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट्स के, यानी कि वो फर्दर पाइप कनेक्टेड है किससे, ट्रीटमेंट प्लांट से। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर, ठीक है, थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप जिन्हें हम बोलते हैं वॉट, यहाँ पर सीवर्स फर्दर कनेक्टेड है किससे, सीवरेज। ठीक है, सीवरेज, ठीक है, जो एक बड़ा पाइप जिसे हम बोलते हैं जो कि सारा वेस्ट लेकर जा रहा है उसे हम बोलते हैं वॉट, सीवरेज। और यहाँ पर अराउंड 50-60 meters पे हर एक जो है या फिर टर्न्स पर यहाँ पर क्या बना रखा है, इस तरीके से मैन होल्स बना रखे हैं जिसके अंदर अगर कुछ फंस जाए, अटक जाए, तो यहाँ से जो है वर्कर्स उतरते हैं पाइप के अंदर, ठीक है, वहाँ जाते हैं उस वेस्ट को जो है रिमूव करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, मैनुअली अफर्ड, ताकि यहाँ पर वाटर जो है सीवेज आसानी से फ्लो कर सके, कहाँ तक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसकी कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट वाटर के अंदर से जो भी है सबसे पहले वाटर आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर उस पाइप के थ्रू पास होगा, पास होने से पहले यहाँ पर बार्स और स्क्रीन लगाई जाती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, उसके अंदर अगर कुछ कैंस हैं, कुछ सॉलिड है, मान लीजिए नैपकिन्स हैं, प्लास्टिक पैकेट्स हैं, तो वो सब इन बार्स के साथ जो है क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, इन बार्स पे क्या हो जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टॉप हो जाती, जो भी बड़ी इम्प्योरिटीज रहेंगी वो। ठीक है, देन वाटर देन गोज टू द ग्रेट सैंड रिमूवल टैंक एंड स्पीड अप द इनकमिंग वाटर डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड है उसकी इनकमिंग वाटर की वो कम कर दी जाती है और इन टैंक्स के अंदर उसे कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, जिसके अंदर जिसमें यहाँ पर जो भी उसके अंदर कह सकते हैं हैवी इम्प्योरिटीज होगी, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होगी, वो सेटल डाउन हो जाए, यानी कि सिंपल सेडिमेंटेशन की हेल्प से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन सैंड ग्रेड्स और उन सारी चीज़ों को इसमें से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्लैरिफायर टैंक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बॉटम में जो है ये स्लैंट होता है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर कैसा होता है, स्लैंट पोजीशन के अंदर होता है, तो इसके अंदर जो भी फर्दर सॉलिड इम्प्योरिटीज बचेगी, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बचेगी, वो सेटल डाउन होगी, सेटल डाउन होने के साथ वो यहाँ पर एक स्क्रैपर की हेल्प से जो है उस स्लज पाइप के अंदर चली जाएगी, वो क्या हो जाता है, बेसिकली स्लज इकट्ठा हो जाता है, उसे हम स्लज बोलते हैं, और ऊपर जो भी यहाँ पर फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज होगी उसे स्कीमर की हेल्प से, यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, स्कीमर लगे हुए हैं, इनकी हेल्प से उन्हें क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, अब फर्दर इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर हम
पंप के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, उसके अंदर एयर जो है पंप करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं और वो बैक्टीरियाज यहाँ पर फर्दर जो है उसकी वजह से जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ठीक है वो किल हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। जो भी यहाँ पर स्लज जो बचता है उसे फर्दर क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैन्योर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब ये वाटर जो है यहाँ पर प्योरीफाई हो चुका है ऑलमोस्ट, बट इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर छोड़ सकते हैं किसके अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, यानी रिवर्स और लेक्स के अंदर। ठीक है, इट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, बट अगर आपको उसे फर्दर यहाँ पर सिस्टम के अंदर लेके आना है, ठीक है, उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो उसे फिर फर्दर एक और प्रोसेस करते हैं हम, क्या, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन में उसके अंदर जो अनसीन बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जो भी वायरसेस बैक्टीरियाज उसके अंदर प्रेजेंट है, उन्हें अगर आपको किल करना है तो उनके लिए आपको फिर क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। क्लोरीनेशन में क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, क्लोरीन हम यूज़ करते हैं, ओजोन का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या हो जाएं, किल हो जाएं, ठीक है, मर जाएं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द फुल प्लांट डायग्राम ऑफ व्हाट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर स्क्रीन्स हैं, ठीक है, फिर क्लारीफायर है, ठीक है, ग्रिड चैम्बर है, और उसके बाद एरिएशन टैंक है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर एरिएशन टैंक्स के बाद वाटर यहाँ पर जाता है और डिसइंफेक्टेंट क्लोरीनेशन करके वाटर को जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर छोड़ दिया जाता है। नाउ अब हम कुछ अपनी तरफ से भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं बाई डूइंग सम बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम यहाँ करें क्या करें, कुकिंग ऑयल्स को, ठीक है, टी लीव्स को, यानी कि जो भी वेस्ट है हमारा उसे प्रॉपरली हम क्या करें, डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट है उसे हम प्रॉपरली क्या करें, डिस्पोज ऑफ करें, और सैनिटेशन और डिजीज यहाँ पर जिससे कि ना फैले, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन करें, यानी कि प्रॉपर जगह पर जो है हम सैनिटेशन के लिए जाएं, सैनिटाइजेशन के लिए जाएं। ओके, अब अगर आप यहाँ पर खुले में जो है फीस वगैरह के लिए जाते हैं तो उससे यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, फूड के अंदर आती है, और वो फूड अगर कोई और खाएगा तो उसे भी इसी तरीके से क्या होगा, बीमारी होने वाली। ठीक है, तो आपको जो है नहीं करना है क्या, खुले में शौच। ठीक है, नाउ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई ऐसे पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पर केमिकल टॉयलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे सीवेज पाइप नहीं जा रही तो वहाँ पर हम सेप्टिक टैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव तरीका यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम जो है सीवेज को क्या कर पाएँ, कम कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक्स बहुत अच्छा तरीका है, इसके अंदर स्लज जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है, स्कम ऊपर आ जाता है, और वाटर जो है इजीली यहाँ पर फ्लोट होकर के जो है फ्लो हो जाता है। ठीक है, कहीं पब्लिक प्लेस पर यहाँ पर अगर सपोज वहाँ पर टॉयलेट नहीं है, ठीक है, तो बजाय खुले में जाने के वहाँ पर इस तरीके से जो है कह सकते हैं केमिकल टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि इनके अंदर टैंक होता है, उसके अंदर वो वेस्ट स्टोर हो जाता है, और फिर उस वेस्ट टैंक्स को ले जाकर के हम प्रॉपरली जो है किसी जगह पर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव, ओके चल नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे जो है हमें क्या करना होता है, सैनिटेशन करना होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कंट्रीज़ के अंदर जो है बहुत सारे कह सकते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मल्स अमाउंट ऑफ मनी खर्च होता है सैनिटेशन के लिए, यहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग के लिए, ठीक है, वर्कर्स लगाए जाते हैं, बट लोग उसे प्रॉपरली फिर भी जो है फॉलो अप नहीं करते, है ना, कहीं भी किसी भी जगह जो है कचरा यहाँ पर फेंक देते हैं। ठीक है, वर्मी प्रोसेस टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं जिससे कि वो जो स्लज है आपका उसे यहाँ पर इन टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर अर्थ वॉर्म्स की हेल्प से उसे किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, मेन्योर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मेन्योर फर्दर जो है हम उससे यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट
we have, okay. फिर आता है हमारा लास्ट, दैट इज चैप्टर मैप, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने जो है इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा, ठीक है, बेसिक वाटर जो है लिविंग थिंग्स के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, वाटर इज की कॉम्पोजिशन यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में अवेलेबल है वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर स्टेट्स क्या हैं, सॉलिड लिक्विड गैस स्नो लेक आइस फॉग, ओके, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बेसिकली हमने यहाँ पर स्टडी किया, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स. यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर अच्छे से जो है फिनिश होता है. अब इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ के तैयार रखना है, ठीक है, याद रखने हैं अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर, ओके, रिवाइज इट थॉरली, ओके, आप अपनी तरफ से भी इसे यहाँ पर मॉड्यूल्स में से पढ़ें, कुछ ना कुछ इसके क्वेश्चंस करें, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम भी इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो गेट रेडी फॉर द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, ठीक है. सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस.